साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अब अपर विभाग यानी जल शक्ति विभाग के काराकल्प में लगे हैं। प्रदेश में बीते दिनों बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में अपने विभाग के अधीन एक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्री ने किया औचक निरीक्षण। लखनऊ सिंचाई विभाग में 75% कर्मी मिले गायब। देर से आने वालों को दिखाया जाएगा अनुपस्थित। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से कार्यमुक्त जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने विभाग यानी जल शक्ति विभाग के कायाकल्प में लगे हैं। वहीं प्रदेश में बीते दिनों बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में अपने विभाग के अधीन एक कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने अंदर जाते ही कार्यालय का मुख्य द्वार के साथ ही अन्य सभी गेट को बंद करा दिया। दरअसल जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को ललितपुर दौरे पर जाना था, पर उससे पहले उन्होंने सिंचाई विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने कार्यालय के सभी गेटों को बंद कराया। उन्होंने सभी कर्मचारियों के अटेंडेंस रजिस्टर को मंगाया तो पता चला कि 9:30 बजे तक सिंचाई विभाग के 75% कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे। उनके इस निरीक्षण से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। मंत्री ने बड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, फिर सभी के आने जाने का विस्तृत ब्यौरा भी तलब किया गया और देर से पहुंचे कर्मियों का रजिस्टर खोजने में लग गए। तो वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यालय प्रभारी को अटेंडेंस रजिस्टर को अपने कब्जे में करने का निर्देश दिया था। इसी कारण उन्होंने रजिस्टर किसी को नहीं दिया। माना जा रहा है कि समय पर कार्यालय न आने वाले कर्मियों को एक एक दिन अनुपस्थित दर्शाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।